दौरे पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलियाई वनडे और टी20 स्क्वाड का ऐलान। टीम की कयादत एरोन फिंच करेंगे। दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे और 1 टी20 मैच शेड्यूल। कोरोना की पांचवी लहर के वार कम होने लगे। मजीद 13 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान 961 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 2.1% रिकॉर्ड। रूस ने यूक्रेनी बागियों के जेर इंतजाम इलाकों को आजाद रियासत तस्लीम कर लिया। रूसी फौजियों को अलहदगी पसंद रियासतों में दाखिल होने का हुक्म। यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाने का फैसला पहले ही किया जा चुका, जिसका मकसद फजाई राहदारी कंट्रोल में रखना है। व्लादिमीर पुतिन। यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन के अलहदगी पसंद इलाकों के लिए पाबंदियों का ऐलान। अमरीका और सेक्रेटरी जनरल अक्वामे मुतहदा की रूसी सदर के इकदाम की मजम्मत। यूक्रेनी इलाकों को आजाद तस्लीम करना केव की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार। बरतानी हुकूमत आज रूस के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान करेगी। यूक्रेन, अमरीका, बरतानिया और फ्रांस की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इजलास। कौम का एक और बेटा वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के इलाके कोहलू में ऑपरेशन। दहशतगर्दों की फायरिंग से स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कैप्टन हैदर अब्बास शहीद। कराची में नमाज जनाजा अदा। हुकूमत का जाती किरदार कुशी की मुहिम में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला। मुलव्वस अनासिर के खिलाफ एक्शन का प्लान। पाकिस्तान और बरतानिया में बैक वक्त कानूनी कार्रवाई शुरू करने की हिकमत अमली। वजीर आजम की जेर सदारत तर्जुमानों के अजलास में फैसले। तहरीके अदम एतमाद के मामले पर शुरका को ऑल इज वेल का पैगाम। टॉक शोज में विफाकी वुजरा की अदम शिरकत का भी नोटिस। अदम एतमाद के लिए अपोजिशन की तैयारी मुकम्मल। हुकूमती अरकान भी राबते में मौजूद। इत्तेहादी भी सरकार से तंग आ चुके। आसिफ जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू। सिलेक्टेड हुक्मरान अवाम में एतमाद खो चुके। अब तमाम जमातों को लेकर मैदान में उतरेंगे पीडीएम सरबरा। ऑपोजिशन के दो बड़े आज फिर इकट्ठे। शहबाज शरीफ मुलाकात के लिए बिलावल हाउस आएंगे। आसिफ जरदारी से अदम एतमाद समेत दीगर अमूर पर मुशावरत होगी। साबिक सदर की 24 फरवरी को सिराजुल हक से मीटिंग भी तय। तहरीक अदम एतमाद के लिए मुस्लिम लीग नून की तैयारियां तेज। बिरोने मुल्क मकीम तमाम अरकान कौमी असम्बली को 48 घंटे में वतन वापस पहुंचने का हुक्म। मेंबरान को लाहौर इस्लामाबाद में ही कयाम करने की हिदायत। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट ऑर्डिनेंस नामंजूर। मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी का वजारत इत्तला के इजलास से वॉकआउट। ऑर्डिनेंस वापस लेने तक कोई मुलाकात ना करने का फैसला। वजारत इत्तला मुशावरत का तासुर देकर मीडिया से खेल रही है। सहाफियों की रिपोर्टिंग के हक को दबाया जा रहा है। रुझान खतरनाक है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मौकिफ। तमाम मीडिया इदारे आज़ादी इजहार और मालूम के हक के दिफा के लिए मुतहद। PBA, APNS, CPNE, PFUJ और MN का मुश्तरका ऐलामिया जारी। भारतीय रियासत कर्नाटक में बाहिजाब तालबात पर पाबंदी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में मुस्लिम कम्युनिटी का एहतजाज। खवातीन और बच्चों की मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। और PSL 7 का सबसे सनसनीखेज मैच। पिशावर जलमी ने लाहौर कलंदर्स को सुपर ओवर में हरा दिया। कप्तान शाहीन अफरीदी ने आखिरी ओवर में धुआंधार बैटिंग करके मैच बराबर किया। जलमी के शुएब मलिक ने सुपर ओवर में 6 रन का हदफ पहली दो गेंदों पर ही हासिल कर लिया।